News 18, India. किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पे। लगातार भारी संख्या में आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान यहां तैनात हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम लोग यहां अपनी तैयारियों के साथ तैयार हैं। हालांकि किसानों का आंदोलन यहां से 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर शंभू बॉर्डर पे है, लेकिन सिंधु बॉर्डर पे भी लगातार तैयारियां की जा रही है। पिछली बार आपको याद होगा महीनों तक जो आंदोलन चला था उस वक्त सिंघू बॉर्डर मुख्य केंद्र था आंदोलन का। ये देख सकते हैं हेलमेट और जैकेट के साथ यहाँ जवान तैनात है और हर तरफ भारी संख्या में आज जो हमें तैयारी दिख रही है, हालांकि आंदोलन यहाँ पहुँचा नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आप देख सकते हैं लगातार इसी तरह से दिन भर तैनात रहते हैं। किसान यहाँ से अभी दूर भले हों, ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ यहाँ से दूर भले हों, लेकिन इनकी तैयारी आप इनके वेशभूषा से ही देख सकते हैं। सभी लोग हेलमेट लगाए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हो या रैपिड एक्शन फोर्स, महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल की यहाँ मौजूदगी है और लगातार इस पूरे इलाके की किलेबंदी की जा रही है। हर दिन कुछ न कुछ जोड़ा जा रहा है ताकि किसान इस इलाके को पार करके दिल्ली की सीमा में प्रवेश न कर सके। देख सकते हैं वो जर्सी बैरिकेड जिसे कहते हैं, कंक्रीट के बैरिकेड के बीच में गिट्टी और सीमेंट का मिक्सर डाला गया, ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं और लगातार इस तरह की स्थिति, एक बड़ी तैयारी की गई है ताकि रोका जा सके किसानों को आगे बढ़ने से, उनके ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से। तो इस तरह की मुकम्मल तैयारी है, पीछे कंटेनर है। न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार ये दिखाता रहा है कि कैसी तैयारी की गई है, लेकिन आज जो आपको दिखाया हमने कि भारी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ के अलावा ये तैयारियां बैरिकेड की गई हैं। न्यूज 18 इंडिया आपको हर पल हर वक्त की तस्वीरें दिखा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पे क्या स्थिति है। आप लगातार न्यूज 18 इंडिया देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रणय दास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, सिंघू बॉर्डर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर।